नमस्कार, आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अनुपमा खोपड़ी। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। पीलीभीत के आसाम चौराहा स्थित बदनाम मिष्ठान भंडार पर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको बताते चले कि बदनाम मिष्ठान भंडार पर एक ग्राहक कुछ नाश्ता करने पहुंचा था। उसने जब ऑर्डर किया तो ऑर्डर में ब्रेड पकौड़े के अंदर आलू में खराबी होने की बात कही। ग्राहक ने जब इसकी जानकारी मालिक को दी तो मालिक ने बताया अधिक मात्रा में अचार डालने से महक आ रही है। इससे पहले भी कई मामले मिष्ठान भंडार के सामने आ चुके हैं, मगर प्रशासन की साठगांठ से इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मीडिया ने जब इसकी जानकारी फूड इंस्पेक्टर को फोन किया तो फूड इंस्पेक्टर का फोन नहीं उठा। इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों की साठगांठ से बदनाम मिष्ठान भंडार चल रहा है। देखना अब ये है कि इस पर किस तरीके की कार्रवाई होगी। क्या घटना हुई आपके साथ यहाँ? बदनाम बस्ती पे आया, यहाँ पे एक समोसा एक ब्रेड मंगाया था जी। उसके बाद फिर एक समोसा एक ब्रेड मंगाया जी। ब्रेड के अंदर आलू निकल रहे खराब, महक आ रही। फिर मैंने यहाँ के जो कर्मचारी उनसे गया, वो आधे घंटे से मुझे टहला रहे थे जी, कि ऐसा नहीं हुआ, खराब नहीं है, ये नहीं है, ठीक हुआ। फिर मैंने यहाँ के मालिक से इशारा करके बुलाया, मालिक आए। मालिक ने कहा हाँ, इसमें मैंने अचार ज्यादा मात्रा में डाल दिया। अच्छा, इसे किसी साथ भी हो सकता है, इससे किसी हालत भी खराब होती। ब्रेड एक जगह से और वापसी मंगाया गया, इनने आए इनके पास 10 ब्रेड गए थे, वहाँ से ही वापसी आ गए। मैंने इनसे कहा, इन लोगों ने खुद मालिक लोगों ने कहा कि यहाँ ऐसा हुआ है, उन्हें खुद लगा कि महक आ रही है। अच्छा, उन्होंने इस बात को स्वीकार करा है? कर लिया सर। उन्होंने इसके बाद भी प्लेट मेरे आगे से हटाने की कोशिश करी कई बार, हटाने की कोशिश करी, फिर भी मैंने हटाने नहीं दिया। बाद में आखिर इन्हें हटा ली, मैंने जब मीडिया बुलाई तो इन्हें हटा ली प्लेट। जिस अधिकारी को नंबर लगा रहे अधिकारी से हमने कह भी दिया, मगर कुछ अधिकारी फोन नहीं उठा रहे, रेस्टोरेंट फूड वाले वो फोन नहीं उठा रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए धनगर शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।